निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन हेतु समूचे देश से हजारों भक्त प्रतिदिन आगरा आ रहे हैं, जिनके आगमन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चातुर्मास समिति के सभी सदस्य अत्यंत सतर्क हैं। हजारों की संख्या में गुरु भक्त निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शनार्थ आगरा आ रहे हैं। चातुर्मास कमेटी के पदाधिकारियों और समस्त सदस्यों ने आगंतुक की समस्त व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कमर कस ली है। चातुर्मास समिति के पदाधिकारी श्री पन्ना लाल बैनाडा ने चातुर्मास की ऐतिहासिकता का जिक्र करते हुए व्यवस्थाओं के बारे में बताया। मैं तो बहुत आनंद उठा ही रहा हूँ, लेकिन मैं ही नहीं, आगरा का हर व्यक्ति और जो भी लाइव टीवी पे देख रहा है वो भी, और सबके ये संदेश आते हैं कि ऐसा चातुर्मास आज तक आगरा में नहीं हुआ और सभी लोग इसका धर्मात्मक रूप से, धर्म के रूप से भी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सीखने को मिल रहा है। व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हुई हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 6-7 दिन में वर्ल्ड क्लास हो जाएंगे, जिससे लोग हर कोई तारीफ करेगा कि हाँ, यहाँ आगरा में जो व्यवस्थाएँ मिली हैं वो सर्वोत्तम हैं। वहीं संयोजक पंकज जैन ने भी इस चातुर्मास की गरिमा को शब्दों में व्यक्त किया, साथ ही आगामी आयोजनों की व्यवस्था के बारे में भी बताया। समाज का बड़ा ही अयोभाग्य है कि पिछले 2-3 गत वर्ष आचार्य विद्यासागर जी की ऐसी कृपा बरसी आगरा के ऊपर कि पहले हमें प्रणम सागर जी का, फिर वीर सागर जी का, विशाल सागर जी का और उसके बाद अब सोधा सागर जी का चतुर्मास कराने का सौभाग्य आगरा को प्राप्त हुआ है। MDGN के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, सारी व्यवस्थाएं दत्त हो गई हैं। इसके सामने जितनी पब्लिक और जितनी बसें जो बाहर से आ रही हैं वो लगता नित्यदिन रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, और व्यवस्थाओं की जो परम सीमा है वो देखना दिखाने लायक है। समाज को जो लाभ मिल रहा है वो सुधा सागर जी के आने के बाद धरती पवित्र हो गई है और यहाँ का सारा माहौल स्वर्ग में हो गया है, और भक्ति भाव की जो भावना बढ़ रही है, आने वाले 10 लक्षणों में जो तैयारी चल रही है उसके लिए पूरी कमेटी अपने दम थम से लगी हुई है और इस चतुर्मास को भव्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। इस महा आयोजन का लाभ मात्र नगर वासियों को नहीं मिल रहा, हजारों की संख्या में अलग अलग नगरों के गुरु भक्त इस ऐतिहासिक चातुर्मास में हाजिरी लगाने आगरा आकर गुरु सेवा का लाभ उठा रहे हैं। जैन फोकस के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।